नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल BMDGM क्लासेस में। प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त गुरु जी आपके लिए लेकर आ गया हूँ आपके RS अग्रवाल मैथ का चैप्टर नंबर 13, ठीक है, जिसका नाम है साझा, ठीक है। और आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं और इसकी फर्स्ट वीडियो, और कम से कम दो वीडियो में इस चैप्टर को ख़त्म कर डालेंगे। और आपको यहाँ पर RS अग्रवाल मैथ बिल्कुल फ्री में पढ़ने के लिए मिल रहा है फ्रेंड्स, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, पढ़ते रहिएगा इसको, ठीक है। आप भी कोचिंग सेंटर में 400-500 रुपये दे करके पढ़ के आते हो इसी को ही, और यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान देकर अच्छी तरीके से समझते रहिए और आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में धूम मचा के रख दीजिएगा, ठीक है। इस मैथ से तो कुछ बचने वाला नहीं है आपका, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ अगर वीडियो अच्छी लगे, तो अगर आपको हेल्पफुल लगे, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने भाइयों बहनों में अधिक से अधिक शेयर करें। और जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं इस वीडियो में सभी जितने भी क्वेश्चन हैं सभी करके दिखाएंगे, जो ज़्यादा आसान होगा वो आप कर लेने, एक दो आपके लिए भी छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे हम कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक कराए, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलते रहिएगा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला क्या दिया हुआ आज का इस वीडियो का। इन्होंने दिया है पहला क्वेश्चन, तीन साझेदारों ABC ने एक व्यापार में क्रमशः 10,200 रुपये और 13,800 रुपये तथा 19,200 रुपये लगाए। तो ये पूछ रहे हैं वर्ष के अंत में प्राप्त 50,400 रुपये के लाभ में से बी का भाग क्या होगा। तो इन्होंने इस प्रकार से अपनी राशि लगाई थी, वर्ष के अंत में इतना लाभ हुआ, तो पूछ लिया लाभ में से बी का भाग क्या होगा, तो हमें ये बताना है। तो देखिएगा, आपको एक सिंपल सी बात बता दूं फ्रेंड्स, क्या होता है ध्यान रखना है, इन क्वेश्चन हमेशा यही सूत्र काम आएगा, ठीक है। साझा बराबर क्या होता है, ठीक है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, अब बड़ा अच्छा साफ दिखाई दे रहा होगा, ये सूत्र आपका से पूरे चैप्टर में काम आएगा, ध्यान रखना। तो क्या नाम है इसका, देखिएगा, साझा बराबर क्या होता है, पूंजी गुणा समय। हमेशा कोई पूंजी लगाएगा और कुछ समय के लिए लगाएगा, ठीक है। और साझा आपको पता ही है, सारे मिलके कुछ धन एकत्रित करके किसी चीज़ को लगा रहे हैं, तो उसे तो बोलते हैं साझा कर लिए इन्होंने, ठीक है। पूंजी होगा, अपनी अपनी अलग अलग पूंजी लगा रहे हैं, ठीक है। और गुणा कितने समय तक कौन लगा रहा है, ठीक है। तो ये सूत्र आपको इसी में काम आएगा, टोटली पूरी इसमें यही काम आएगा, ध्यान रखना सूत्र को, ठीक है। अपने माइंड में इसको प्रिंट करके रखना, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, सारे क्वेश्चन आप ऐसे ही कर डालोगे, ठीक है। चलते रहेगा, देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखिएगा फ्रेंड्स। अब इसको देखते हैं, ए बी अनुपात सी, ठीक है, हम इसको ऐसे ले लेते हैं। तो इन्होंने क्या कहा है, तीन साझेदारों ABC ने एक व्यापार में कितने कितने रुपये लगाए बता दीजिएगा फ्रेंड्स। अब देखिएगा, इन्होंने लगाए, एक ने तो लगाए, जो ए है उसने तो लगाए 10,200, ठीक है। अच्छा जी, अनुपात एक ने कितने लगाए भाई, 10,200, अनुपात एक ने कितने लगाए बी ने, 13,800। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना का, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप गुंजा डालोगे सभी को, 19,200, ठीक है, याद रखना। अब देखिएगा, उन्होंने क्या कहा है, वर्ष के अंत में बोला है, इसका मतलब पूरे 12 महीनों के लिए उन्होंने लगा दिया। तो सीधी बात है, एक वर्ष लगा दो तो सभी में पूरी एक वर्ष की मल्टीप्लाई कर दीजिए फ्रेंड्स, एक वर्ष गुणा एक और गुणा एक। आपको पता है अगर कोई भी संख्या अनुपात में समान होती है तो वो खत्म हो जाती है, हम उसे नगण्य मान लेते हैं, ठीक है। चलते रहेगा, अब जीरो से जीरो उड़ा दीजिए, इतनी उड़ती है, दो जीरो से दो जीरो गई, दो जीरो से दो जीरो गई, ठीक है, देखते रहिएगा। तो देखिएगा फ्रेंड्स, काटिएगा इसको आगे क्या क्या हो गया, देखिए 102 को काट कर देखिएगा, 6 से देखिएगा काट करके, 6 ही कम 6, ठीक है, बच गए कितनी, 642, ठीक है। और ये देखिएगा आप कितनी बार कटा, 6 × 12 और एक बच्चा 36, 18। और यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, कितनी बार कटा, 36, 18 और 6 × 12, ठीक है। तो कितने बार, कितना अनुपात है इसमें, 17, 23 और 32 का, ठीक है, याद रखना। चलते रहेगा, तो इनका वर्ष के अंत में प्राप्त 50,400 रुपये के लाभ में से, वर्ष के अंत में लाभ कितना हुआ ना फ्रेंड्स, वर्ष के अंत में इन्हें जो लाभ हुआ फ्रेंड्स वो हुआ 50,400, ठीक है, लाभ हुआ है 50,400, ठीक है, याद रखना। अब टोटल ये कितने हुए हमारे, ये कितने हुए फ्रेंड्स हमारे, ये टोटल ये हुए 17 और 23 कितने हो गए, 40 और 32 कितने हो गए, ये हो गए 72, ठीक है, 72 को 50,400 से भाग देंगे तो कितनी बार कटेगा, ये पूरा 700 बार कट जाएगा फ्रेंड्स, काट कर देख लो चाहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, अब क्या हुआ, तो ये क्या कह रहा है, बी का भाग पूछ रहा है, तो बी का भाग कौन सा है इसमें, बी का भाग है फ्रेंड्स इसमें 23, ठीक है। तो 23 में क्या करना है आपको, 23 में आपको ये जो आज जितनी बार कटा है इसकी गुणा कर देनी है, ठीक है। तो बी का भाग आ गया हमारा, तो 23 की और 7 की करेंगे तो कितना हो गया, 23 × 7 = 161, ठीक है, और 2 0 ये हैं, तो यही आपका आंसर है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ अच्छी समझ आया होगा, हो गया ना गोली की रफ्तार से। तो फ्रेंड्स, कोई इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, देख लो आप छोटा करके, ये देखो ये मैंने समझाया बस इसलिए लग रहा है आपको थोड़ा सा, ठीक है, वरना आप जब करोगे ना तो गोली की रफ्तार से निकाल दोगे इसको, ठीक है। चलते जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स। तो देखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, देखिएगा आप इसको ध्यान से, राजेश व मनोज ने मिलकर व्यापार आरंभ किया,
राजेश ने 40,000 रुपये 9 माह के लिए तथा मनोज ने 38,500 रुपये 8 माह के लिए लगाए। वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना हुआ है? 10,830 रुपये का। तो ये कह रहे हैं लाभ में से मनोज को कितना धन मिलेगा, ये बताना है आपको। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और है भी कुछ नहीं, बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखिएगा, एक तरफ तो लिख लो राजेश को आर से प्रदर्शित कर देंगे हम, और एक तरफ लिख लो मनोज, ठीक है। तो ये कह रहे हैं राजेश ने 40,000 रुपये 9 माह के लिए लगाए, 40,000 रुपये, ठीक है। अच्छा जी, इसने 9 माह के लिए लगा दिए फ्रेंड्स, तो क्या करेंगे, 9 की गुणा कर दीजिए, ठीक है। और भाई इसने क्या कितने लगाए, मनोज ने लगाए हैं 38,500 रुपये, ठीक है। इसने कितने मंथ के लिए, 8 मंथ के लिए, ठीक है, सीधी बात है भाई। अब ये कह रहे हैं वर्ष के अंत में कह रहे हैं। अब देखिएगा, काट डालो जो कटता है, 3 जीरो से, 3 जीरो तो नहीं कटेगी फ्रेंड्स, 2 जीरो से 2 जीरो काट डालो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते रहिएगा, अब देखते हैं क्या होगा। अब इसको काट डालिए फ्रेंड्स, देखिएगा कैसे होगा। तो इसको काट के देखिएगा फ्रेंड्स कितनी बार कटेगा, देखिएगा इसको 5 से काट कर देखिएगा फ्रेंड्स कितनी बार कटेगा, देखिए ना ये कटेगा, देखिएगा काट कैसे फ्रेंड्स, 535, ठीक है फ्रेंड्स, 7 बार, और कितने बच गए, 3, 5, 7, 35, 77 बार तो ये कट गया फ्रेंड्स। और इसको देखिएगा, अच्छा 5, 9, 45, अच्छा जी 5, 9, 45 बच गए, 5, 2, 10, ठीक है, 77 और 92 बार कट गया। अब देखिएगा और काट के देखिएगा, अगर कटता जाए कटेगा तो देखिएगा फ्रेंड्स, काटिएगा इसको छोड़ना नहीं, तो इसको काट डालो देखिएगा, 4, 2, 8 फ्रेंड्स 92 काट के देखिएगा कितनी बार कटेगा। अब से 2 से काट डालो कितना होगा, 2 से नहीं 4 से काट के देखो, 4, 2, 8, 4, 3, 12 और 4, 2, 8, ठीक है 2 बार कट गए, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, इसको हम साफ सा लिख देंगे। लो भाई फ्रेंड्स देखिएगा 2 बार कट गया, ठीक है। अब कितना होगा, अब इसको डायरेक्ट लिख लो कितना कितना आ गया, तो कितना होगा, 23 नंबर ये आ गया फ्रेंड्स, 23 नंबर, 23 × 9, 23 नंबर कितना होगा, 207, ठीक है याद रखना, 23 नंबर 207 अनुपात 77 × 2 कितना होगा, 154। अच्छा जी, तो उन्होंने किसका भाग कहा था फ्रेंड्स, टोटल कितना होगा पहले तो ये देख लो अलग अलग का, बाद में देखेंगे। वर्ष के अंत में लाभ कितना हुआ था उनको, लाभ कितना हुआ था उनको, 10,830 का, ठीक है याद रखना फ्रेंड्स। और यहाँ पर किसका टोटल कितने हो गए, तो उन्हें 207 और 154 कितने हो गए, 361। अगर हम इसको भाग देकर देखेंगे फ्रेंड्स तो कितनी बार कटेगा ये, 361 दिया 1,083, ठीक है, तो ये कट गया 30 बार पूरा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिएगा इन्होंने किसका भाग पूछा है, इन्होंने पूछा है 2 नंबर का भाग, वो किसका है, मनोज का, ठीक है। तो मनोज वाले में 30 की गुणा कर डालो फ्रेंड्स, देखिएगा तो जो मनोज का भाग है फ्रेंड्स, देखिएगा मनोज कितना होगा, 154 और गुणा ये कितना आया फ्रेंड्स, यहाँ आया 30, ठीक है 30, तो दोनों गुणा करेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स, देखिएगा तो आएगा 4,620 रुपये, ठीक है, यही आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ अच्छी समझ आया होगा, बिल्कुल भी हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आप गोली की तरफ तार से इसको हल कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलते रहिएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, देखिएगा छोटा ही क्वेश्चन था, चलते रहिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, कितना आसान क्वेश्चन है, देखिएगा। ABC एक व्यापार में साझेदार है, ए की पूंजी बी की पूंजी से 3 गुनी है तथा बी की पूंजी सी की पूंजी से 4 गुनी है, तो वर्ष के अंत में प्राप्त 68,068 इतना लाभ हुआ है, मतलब 68,068 रुपये के लाभ में से ए का भाग क्या होगा, ये बताना है आपको। तो चलिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, अभी इस टाइप के आ भी जाते हैं, ठीक है छोड़ना नहीं, बल्कि हमें तो टोटल सारे करना है, ए अनुपात बी अनुपात सी के अनुपात में है, ठीक है देख लीजिएगा। इन्होंने क्या कहा है, ए की पूंजी बी की पूंजी से 3 गुनी है, ए की पूंजी मान लिया हमने, बी की पूंजी ए है, तो ए की पूंजी कितनी है, इससे 3 गुनी, ठीक है। अच्छा जी, अभी क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है बी की पूंजी सी की पूंजी है 4 गुनी है, जो बी की पूंजी है अगर सी की पूंजी 1 है तो क्या कह रहा है, बी की पूंजी सी की पूंजी है 4 गुनी, यदि सी की पूंजी 1 है तो बी की पूंजी कितनी है, 4 गुना, ठीक है याद रखना। अब यहाँ पे जैसे अभी आप कर सकते हो, इसका पड़ोसी नियम लगा दीजिए, कितना होगा, 1 यहाँ पे आ गया, 4 फ्रेंड्स यहाँ पर आ गया, ठीक है चलिएगा इसको आगे हल करते हैं फ्रेंड्स, कैसे होगा देखिएगा, चलिएगा देखते रहिए। तो देखिएगा फ्रेंड्स, 1 की 1 में गुना कितना है, 1 कम 1, 4 कम 4 और 3 चौक 12, ठीक है अनुपात कितना है, 12, 4, 1 का, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं, उन्हें वर्ष के अंत में लाभ कितना हुआ फ्रेंड्स, देखिएगा वर्ष के अंत में लाभ हुआ 68,068 रुपये, ठीक है। तो देखिएगा ये देखिएगा फ्रेंड्स, लाभ कितना हुआ, 68,068, ठीक है, और ये टोटल कितने हुए, 12, 4, 16, 1, 17। तो देखिएगा फ्रेंड्स काट के देखिएगा कितनी बार कटा, 17 चौका 68, ठीक है 10 लगा दीजिए और 1 ये पहली है, तो 17 चौका 68, ठीक है। तो कितनी बार कट गया, 4,004 बार कट गया, ठीक है। अच्छा जी, तब हमें क्या करना है, किसका भाग पूछ रहा है, ये ए का भाग पूछ रहा है फ्रेंड्स, ए का भाग क्या होगा, तो ए का भाग कितना है बता दीजिए फ्रेंड्स, ए का भाग है 12, तो ए का भाग कितना है, 12
और गुणा, ये कितना आया 4004, इसके गुणा कर दीजिए फ्रेंड्स, कितना आया टोटल इसमें गुणा करके इसका बताइएगा जरूर गोली गिरफ्तार से, 48048 ही आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, ये मैंने और तरीके से तो लिख दिया फ्रेंड्स, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है आपको। ठीक है, अच्छा जी इसको सही तरीके से लिखते हैं, देखिएगा। ठीक है, 48048 यही आपका आंसर है, उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ आएगा फ्रेंड्स। ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, चलते रहिएगा गोली गिरफ्तार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 48048 की गुणा करके देखोगे यही इसका आंसर है। ठीक है, चलते रहिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो देखिएगा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 कितना आसान क्वेश्चन है, देखिएगा इसको भी गोली गिरफ्तार से अभी उड़ा के रखते हैं आप ही के सामने। देखिएगा इसकी खोपड़ी तोड़ के रख दो, क्या दिया हुआ है, यदि 6 ए की पूंजी बराबर 8 बी की पूंजी बराबर 9 सी की पूंजी, तब ए बी सी की पूंजियों का अनुपात क्या होगा, बताइएगा फ्रेंड्स। तो ये कह रहे हैं फ्रेंड्स, तब ए बी सी की पूंजियों का अनुपात क्या होगा, ये बताना है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, 6 ए बराबर क्या है 8 बी बराबर क्या है 9 सी, ठीक है, या मतलब 9 सी, ठीक है, याद रखना। तो एक बात बताइएगा फ्रेंड्स, हमें देखना है नीचे क्या आएगा, तो मैंने क्या बताया हुआ है आपको, आपको पहले ही पता है इनका तीनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना है 8, 9 और 6 का, तो कितना आ गया एलसीएम इनका, बताइएगा फ्रेंड्स कितना आएगा, 72। उम्मीद करता हूँ निकालना आता होगा एलसीएम, तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, चलते रहिएगा। अब मैंने क्या बताया था, एलसीएम से भाग दे देना है सभी को, दे दिया तभी तो नीचे पता चलेगा। तो देखिएगा फ्रेंड्स, अब जो कटता है इसको काट डालो, 6 से काट डालो, देखिए कितनी बार कटा है, 6 कम 6 और 6 दूनी 12, ठीक है, अच्छा जी। और यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स अभी कितनी बार कटा है, 8, 9, 72, और ये कितनी बार कटा है, 9, 2, 72, तो कितना है अनुपात आपका, यहाँ है 12:9:8, ठीक है। ऐसा कोई आपको लग रहा है कोई ऐसा टेबल जो इसको काट दे, नहीं, तो आपका यही आंसर है 12:9:8, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका क्या आया, आंसर डी, ठीक है, चलते रहिएगा, हो गया ना गोली गिरफ्तार से, चलते रहिएगा फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, इसको देखते हैं क्या दिया हुआ है। जयंत ने 30,000 रुपये लगाकर एक दुकानदार, नहीं, 30,000 रुपये लगाकर एक दुकान आरंभ की, 2 माह बाद 45,000 रुपये लगाकर राजू इस दुकान में साझेदार हो गया, 1 वर्ष के अंत में कुल 54,000 रुपये के लाभ में से राजू का भाग क्या होगा, भाई बिल्कुल सेम टू सेम, तुम्हें पता है इतना हार्ड क्वेश्चन है नहीं, इसके आप कॉम्पिटिशन कर सकते हो, ठीक है। तो देखिएगा अभी करते हैं, एक तो क्या हो गया जयंत हो गया, अच्छा जी, एक क्या हो गया आपका राजू, ठीक है, याद रखना। तो देखिएगा भाई इसने कितने 1,000 रुपये लगाए, इसने 30,000 रुपये लगाए, ठीक है, अच्छा जी, और इन्होंने कितने लगाए भाई, इसने लगाए 45,000, इसने कहा भाई मुझे भी शादी कर ले, ठीक है, अच्छा जी। तो ये कह रहा है एक दुकान, अच्छा वर्ष के अंत में कुल 54,000 के लाभ में से, भाई 1 वर्ष तक लगा, सीधी बात है तो आपको पता लग गया, तो इसका तो तुम्हें पता चल गया, जिस जयंत ने पैसे लगाए, भाई जो बच्चों जयंत ने पैसे लगाए हैं ये पूरे 12 मंथ के लिए लगे हुए हैं, नहीं, हाँ जी। तो क्या कह रहा है, 2 मंथ बाद कौन आया था, राजू आया था, तो इसका मतलब उसका कितने, जब पूरे साल तक ही लगेगा तो उसका कितने मंथ तक का लगेगा, 2 मंथ तो चले गए, तो अब 10 मंथ बच गए, तो इसका 10 मंथ तक लगा, ठीक है, अच्छा जी। अब देखिएगा ये क्या कह रहे हैं, तो 54,000 लाभ अगर लास्ट में होता है तो राजू का भाग क्या है, तो इसको काट डालो जहाँ से कटता है फ्रेंड्स, ठीक है, तो काट डालो इसको, देखिएगा 1 0 से 1 0 से 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, ठीक है, कट गया। अब देखिएगा 3 कम 3, अब देखिएगा 3 कम 3 और 3 5 15, अच्छा जी कितना आया, देखिएगा फ्रेंड्स कितना आया, और देखिएगा इधर 12 है और इधर 15 है, ठीक है। अब इसको कोई ऐसा वो देखिएगा फ्रेंड्स, 12 कम 12 हो गए, ठीक है। अब देखिएगा कोई ऐसा टेबल जिससे कट जाए, तो देखिएगा फ्रेंड्स टेबल है 3 चौक 12 और 3 5 15, ठीक है, तो अनुपात कितना है, 4:5 का, अच्छा। अब देखना क्या उनका लाभ कितना हुआ, 54,000 का तो लाभ हुआ था उन्हें वर्ष के अंत में, टोटल कितने हो गए 9, तो 9 से काट के देखिएगा 9 6 54, तो कितना होगा 6,000 बार कट गया। तो ये किसका पूछ रहे हैं, ये बताना है आपको, तो ये पूछ रहे हैं राजू का भाग क्या है, तो राजू का भाग क्या है भाई, 5, ठीक है, याद रखना राजू का भाग क्या है, 5, तो सीधी बात है राजू का भाग है 5, और 5 में किसकी गुणा कर देंगे हम, 6,000 की, 6,000 बार कट गया था, तो कितना होगा 5 6 30, तो कितना हुआ 30,000 रुपये, ठीक है, यहीं आपका आंसर है, यहीं से लाभ हुआ 30,000 का, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा, ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करना और शेयर करना अपने भाई बहनों में, ठीक है फ्रेंड्स, चलते रहिए, बाय बाय, लगते मिलते हैं आपको अगले क्वेश्चन में, ठीक है, ये मत सोचो मैं वीडियो एंड कर रहा हूँ, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, चलते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया हुआ है, तो देखिएगा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आलोक ने 90,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया, 3 माह बाद सब्बीर भी 1,20,000 रुपये लगाकर साझेदार हो गया, यदि 2 वर्ष के अंत में कुल लाभ 96,000 रुपये हो तो दोनों के भागों का अंतर कितना होगा, तो ये बताना है हमें, ठीक है, अलग अलग भाग निकाल के और भाई इनको घटा के इनका अंतर बता देना है, तो चलते रहिएगा, देखिएगा क्या कह रहे हैं। आलोक ने 90,000 रुपये लगा दिए, ए से तो आलोक हो गया
और भाई शब्बीर हो गया ऐसे, ठीक है याद रखना भाई। ठीक है भाई आलोक ने कितने रुपए लगाए, 90,000 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा जी आलोक ने 90,000 लगा दिए, शब्बीर ने कितने लगाए फ्रेंड्स, 1,20,000। अच्छा जी इसने लगा दिया भाई इतने। अब ये कह रहे हैं ये साझेदार हो गया शब्बीर, यदि 2 वर्ष के अंत में कुल लाभ 96,000 हो, 2 वर्ष के अंत में, ठीक है। अच्छा आप एक बात बताओ, आलोक ने तो पूरा बराबर ही लगा रखा 2 साल तक, ठीक है जी, तो इसके कितने महीने होंगे यहाँ पे ध्यान से रखना, देखिएगा कितने महीने तक लगेगा इसका, तो पूरा 24 महीने तक लगेगा। और 3 माह बाद कौन आया इसमें सज्जी होने के लिए, यहाँ आया शब्बीर, ठीक है, तो इसका कितने महीने तक लगेगा, 21 महीने तक का, ठीक है। अब जो कटता है उसको काट डालो, ठीक है, फिर 96,000 के हिसाब से काउंटिंग करेंगे। पहले इसको काट डालो जहाँ से कटता है, देखिएगा 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 जीरो, 4 जीरो उड़ गई, ठीक है। अब जो कटता है इसको काट डालो फ्रेंड्स, 12 × 2 = 24, ठीक है। अच्छा जी 3 × 3 = 9, 3 = 21, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए 3 × 2 = 6, 6 = 7, ठीक है, इस अनुपात में आया है उनका। तो अब यहाँ पूछ रहे हैं उनका अलग अलग भाग निकाल लीजिए, पहले कितना बैठता है। अब देखिएगा 96,000 लाभ हुआ था टोटल, अब पहले से भाग करके देख लीजिए फ्रेंड्स कितना था, 96,000। अच्छा जी ये टोटल कितने बैठते हैं, 13 से आप भाग दोगे फ्रेंड्स कितनी बार कटेगा ये बताना ज़रा, तो कितनी बार कटेगा, तो ये कटेगा फ्रेंड्स देखिए काटेगा 13×7 = 91। अच्छा जी 7384.6 एक बार कटेगा, काट के देख लीजिए चाहे, ठीक है। तो इन्होंने कहा अलग अलग भाग निकालने हैं इनके, अलग अलग भाग क्या, अलग अलग में गुना कर दो, ठीक है। तो एक आलोक का भाग देखिएगा कितना है, 6 × कितना होगा, 7384.61, इसमें गुना कर डालो तो कितना आया इसका देखिएगा, 44,307, 44,307.66। भाई देखिएगा थोड़ी कैलकुलेशन ही ध्यान रखना है आपको, इसमें गड़बड़ नहीं करनी है बिल्कुल भी, ठीक है। और इसका निकाल लो शब्बीर का, 7 × यही गुना करनी है, 7384.61, ठीक है। जब इसके गुना करोगे तो कितना आएगा, 51,692, ठीक है, 0.27। अब इनका अगर आप अंतर निकाल लोगे दोनों का, अंतर निकाल लोगे तो अंतर कितना है फ्रेंड्स बताइएगा ज़रा, इनका अंतर आया है दोनों का, अगर आप इनको घटा दोगे तो कितना बैठेगा ये, 7300, इनका अंतर कितना बैठेगा फ्रेंड्स, 7385, ठीक है, 7385, ठीक है। अब ये घटा कर देख लीजिए चाहे कुछ भी कर लीजिए, थोड़ी ही कैलकुलेशन इसमें है जो आपको थोड़ी ही कन्फ्यूज कर सकती है, ठीक है, वरना इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं, आप इसको गुंजा डालोगे, ठीक है। वैसे आपके क्वेश्चन में आंसर दे भी नहीं रखा, ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या हो गया, ऑप्शन डी, ठीक है, यही आपका आंसर है, चलते रहेगा, बाय बाय। अब अपना नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन, तो चलिएगा फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन था, देखिएगा थोड़ी कैलकुलेशन अटपटी थी, देखिए इतना बड़ा भी नहीं है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है, तो देखिएगा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, आज तो गोली गिरफ्तार से निकाल दो सभी क्वेश्चन, बड़ा आसान चैप्टर आ गया है, ठीक है। योगेश ने 45,000 रुपये की लागत से व्यापार आरंभ किया, तो 3 माह बाद प्रवीण 60,000 रुपये लगाकर साझेदार हो गया, इसके 6 माह बाद अतुल को भी मन करा कि भाई 90,000 रुपये ले लो और मुझे भी सम्मिलित कर लो, तो ये भी सम्मिलित हो गया भाई, ठीक है। वर्ष के अंत में उन्हें 20,000 रुपये का लाभ हुआ, तो इस लाभ में अतुल का भाग क्या होगा। आपको देखने में थोड़ा अटपटा लग रहा होगा क्वेश्चन, लेकिन है बड़ा आसान, ठीक है। अच्छा जी अगर आप इसको अलग अलग लिख के करोगे और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है, करिएगा देखिएगा। एक जगह तो ले लो योगेश, ठीक है, वाई से ले लो योगेश, और भैया डी से ले लो दिनेश, और भाई अतुल से ले लो, ए से ले लो अतुल, ठीक है, याद रखना। क्या बोला है ना, योगेश ने 45,000 रुपये की लागत से, तो योगेश ने कितने लगा दिए अपना, 45,000 रुपये लगा दिए भैया इसने तो, ठीक है। अच्छा जी अब क्या कहा है, और हम कहते हैं कह रहे वर्ष के अंत में 20,000 का, इसका मतलब इसने तो पूरे साल के लिए लगा दिए एक बारी भाई, ठीक है। अच्छा जी इसने तो 12 महीने के लिए लगा दिए पूरे। अच्छा जी अब ये पूछ रहा है 3 माह बाद प्रवीण ने 60,000 रुपये लगाए, तो उसका कितने महीने तक लगा रहेगा, 3 महीने तक चले गए, तो उसका 9 महीने तक लगेंगे कितने, 60,000 रुपये। अच्छा जी इसके 9 महीने तक लगेंगे, तो अब देखिएगा अब ये क्या कह रहा है, इसके 6 माह बाद 90,000 रुपये अतुल ने लगाए, 90,000 रुपये अतुल ने लगाए, तो इसका कितने महीने तक लगेगा, जब 6 महीने तो बीत ही गए, अब ये 6 महीने तक ही लगेगा इसका, तो ठीक है। तो यहाँ क्या भाई, अब जो कटता है उसको काट डालो, बिल्कुल नहीं छोड़ने का, 0 से 0 गई, 0 से 0 गई, 0 से 0 गई, ठीक है। अब देखिएगा जो कटता है उसको काट डालो फ्रेंड्स, देखिएगा क्या दिया हुआ है। अब आपको इस तरीके से काटना है जो तीनों के तीनों कट जाएं आपके आराम से बिल्कुल, ठीक है। अच्छा जी देखिएगा कितना होगा, 15 से काट कर देखिएगा फ्रेंड्स क्या कटता है, देखते रहिए, मैंने पेन चेंज कर लिया, 15 × 90, 15 × 60, 15 × 3 = 45, ठीक है। अच्छा जी 3 से काट कर देखिएगा, 3 × 3 = 3, 3 × 9 और 3 × 2 = 6,
अच्छा जी, अब देखिएगा फ्रेंड्स क्या बचा। अब यहाँ पे बचा है फ्रेंड्स 12 बच गया, 12 और 3 चौक 12 बच गया, और 2 छक 12 बच गया। ठीक है, अच्छा जी भाई, ये 12 नहीं बचा, यहाँ पे ध्यान रखो, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 6 नहीं आने का, 6 माह बाद किसके 6 महीने बाद आए, प्रवीण के, प्रवीण, प्रवीण तो पहले ही 9 मंथ के लिए लगा था। तो ठीक है, यहाँ से थोड़ी गलती हो गई, इसका ध्यान रखना फ्रेंड्स, ऐसी ऐसी छोटी छोटी गलती गड़बड़ कर देती है। तो इसका तो कुल ही 3 महीने के लिए लगेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना फ्रेंड्स, इसका तो 3 ही महीने के लिए लगेगा। तो कितना होगा ये देखना, कितना आ गया फ्रेंड्स, ये आ गया 3 × 6, ठीक है। अच्छा जी, तो इसको देखेगा, हम सही तरीके से लिख लेते हैं। अच्छा जी, 6 महीने तक का इसका लग गया, 3 महीने तक इसका लगा, तो कितना बचा यहाँ पे 6। अब देखिए इसको काट डालो, जो कटता है इसको काट डालो, 6 × 12, 6 × 12 और 6 × 6, तो कितना है आपका अनुपात, 2:2:1, ठीक है। अच्छा जी, तो मैं किसका भाग पूछ रहे हैं, उनका है, उन्हें टोटल भी कितना लाभ हुआ, अब बताना है आपको, उनको वर्ष के अंत में कितना लाभ हुआ है, उनको हुआ आपको पता है 20,000 रुपये का, ठीक है। अच्छा जी, 20,000 रुपये का उनको लाभ हुआ, तो टोटल कितने हो गए, 2 × 2 = 4 = 1 = 5, 5 × 4 = 20, ठीक है। तो कितने आ गए, 4,000 आ गए। तो हमें क्या पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं भाई, क्वेश्चन में दिया हुआ है इसमें अतुल को, अतुल का भाग क्या होगा, अतुल का भाग बताना। तो अतुल का भाग यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, बताइएगा, अतुल का भाग है 1, तो 1 में हम 4 के गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4,000 रुपये। तो अतुल का कितना फ़ायदा हुआ, 4,000 रुपये का फ़ायदा हो गया फ्रेंड्स। तो यही आपका आंसर है, हो गया ना, गोली रफ्तार से चलते रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिएगा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है, महेंद्र और सुरेंद्र क्रम से 12,000 रुपये तथा 9,000 रुपये लगाकर एक व्यापार में साझेदार हो गए, 3 माह बाद सुधीर भी 15,000 रुपये लगाकर उसके माह में सम्मिलित हो गया, मतलब उनके व्यापार में सम्मिलित हो गया। तो 9,500 रुपये के अर्धवार्षिक लाभ में है सुधीर का भाग कितना है, तो आपको यह बताना है फ्रेंड्स, चलते रहिएगा देखिएगा। तो अर्धवार्षिक तक ही तो पूछ रहे हैं, वो ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा जी, तो महेंद्र और सुरेंद्र ने कितने कितने रुपये लगाए भाई, एम से महेंद्र, एस से सुरेंद्र, ठीक है, सुरेंद्र और एक क्या है भाई, एक एक का नाम हो रहा है, एक का नाम है सुधीर, ठीक है, सुधीर पूरा लिख लेते हैं, कभी आप पता लगे विचलित हो जाओ, ठीक है, बिल्कुल नहीं विचलित होना है। देखिएगा महेंद्र ने कितने लगाए हैं, 12,000 रुपये। अच्छा जी, इन्हें कितने लगाए हैं भाई, सुरेंद्र ने 9,000 रुपये, ठीक है, ये तो आपको पता ही अनुपात है बीच में। अच्छा जी, तो क्या है, 3 माह बाद सुधीर भी 15,000 रुपये लगाया, किस में ऐड हो गया किस में, ठीक है। अच्छा जी, 15,000 रुपये लगा दिए। अब आपको ये ध्यान देना किसका धन कितने, बस यही इसमें जो खास बात है, इसमें ध्यान देने की यही बात है, टाइम देखना किसका कितने टाइम तक लगाए, ठीक है भाई, 6 महीने तक तो इसका लगा पूरा, ठीक है, और भाई 6 महीने तक इसका लगा पूरा, और इसके 3 महीने बाद कौन आया था, सुधीर आया था सुरेंद्र के, और इसके, ठीक है, तो इसका कितने महीने तक लगा, 3 महीने तक, बस यही है इसमें जो भी है, ठीक है, जो कटता है इसको काट डालो, 3 × 0 = 3, 0 गई, 3 × 0 = 3, 0 गई, ठीक है। अच्छा जी, अब देखिएगा क्या हो गया फ्रेंड्स, देखिएगा 3 से काट डालो जो कटता है, 3 × 3 = 6, 3 × 6, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा जी, काट डाला, अब देखिए एक बार और 3 से कट जाएगा, 3 × 4 = 12, 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15, ठीक है। अब जो भी आ गया है उसको नीचे लिख लेते हैं गुणा करके फ्रेंड्स, कितना होगा, 4 × 8, 3 × 6 और 5 × 5, 8, 6 और 5 का अनुपात आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये क्या पूछ रही हैं, इन्होंने कहा है क्वेश्चन में, देखिएगा ये तो हमारे आ गया, 9,500 रुपये के अर्धवार्षिक लाभ में सुधीर का भाग कितना है, तो पहली बात तो बताइए सुधीर का भाग कौन सा है, ये है, अच्छा 9,500 में देखो भाई, पहले तो 9,500 को भाग देकर देख लो, इन टोटल को जोड़कर, 8, 6, 14 और 5, 19, कितना होगा, 19×5 = 95, तो कितनी बार कटा, 500 बार, तो क्या कह रहे हैं सुधीर का भाग, तो सुधीर के भाग में 5 में गुना कर दो, 5 में 500 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 5×5 = 25, कितना आएगा फ्रेंड्स, 2500, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, हो गया ना गोली गिरफ्तार से, ठीक है, किसी भाई की समझ में ना आया हो तो एक बार बैक करके देख लेना वीडियो, ठीक है, एकदम समझ में आ जाएगा बड़ी अच्छी तरीके से, ठीक है, चलते रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलते हैं, अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलिएगा फ्रेंड्स चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्या दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, ए बी सी मिलकर एक व्यापार में 50,000 रुपये लगाते हैं, ए की पूंजी बी से 4,000 रुपये अधिक है तथा बी की पूंजी सी से 5,000 रुपये अधिक है, तो 35,000 रुपये के लाभ में से ए का भाग कितना है, आपको यह बताना है सभी को। अब देखिएगा फ्रेंड्स हम इसको आसानी से कर भी लेंगे, ठीक है, देखिएगा एक्स ही मान लो चाहिए तो बहुत आसान पड़ जाएगा, एक्स से भी ए बी और सी मान लेते हैं, तो देखिएगा फ्रेंड्स क्या कह रहे हैं,
व्यापार में 50,000 रुपये लगाते हैं, आपको पता है इस चीज़ का, ठीक है। एक ही पूंजी 20 है, कितनी है, 4,000 रुपये अधिक है। एक ही पूंजी 20 है, 4,000 रुपये अधिक है। अच्छा जी, और बी की पूंजी सी की पूंजी से 5,000 रुपये अधिक है। तो हमने मान लिया, अगर एक्स इसके सी की पूंजी एक्स मान लेते हैं, तो क्या हुआ, ये कह रहे बी की पूंजी सी की पूंजी है 5,000 रुपये अधिक है। तो सी की पूंजी से 5,000 रुपये अधिक है किसकी पूंजी, बी की पूंजी, ठीक है। अच्छा जी, अब ये क्या कह रहे हैं शुरू में, ए की पूंजी बी की पूंजी है 4,000 रुपये अधिक है, तो कितनी होगी, एक्स प्लस इसको कर सकते हैं हम 9,000। तो सीधी बात है, देख लो भाई, 20 है वाकई में, 4,000 रुपये एक्स्ट्रा है इसके, ठीक है। अच्छा जी, अब देखिएगा, हमने यहाँ पूंजी तो मान लिया पूंजी एक्स है इसकी, सी से स्टार्ट कर दिया काम, सही। टोटल कितने हैं, ए बी सी मिलकर व्यापार में 50,000 रुपये लगाते हैं, आपको पता है, तो सभी को बराबर रख दो 50,000 रुपये के, ठीक है। जोड़ दो, अब देखिए कितना होगा, एक्स प्लस 9,000, अच्छा जी, प्लस एक्स प्लस 5,000 और प्लस एक्स, वो बराबर कितना हो गया फ्रेंड्स, 1, 2, 4, ठीक है। अच्छा जी, एक्स 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 ये कितने हो गए भैया, ये हो गए 3x, मतलब 3x, ये कितने हो गए, प्लस 9 और 5, 14,000। अच्छा जी, बराबर कितने हो गए, 50,000। अच्छा जी, हमने क्या करना, एक्स का मान निकालना, कितना होगा, 3x बराबर 50,000 में, तो 14,000 का कितने बचे भाई, 36,000। 3 से 8 डालो, कितनी बार कटा, 12,000 बार, तो एक्स का मान कितना आएगा भाई, 12,000, ठीक है। अच्छा जी, एक्स का मान कितना है, 12,000। तो ये क्या कह रहा है भाई, इन्होंने बोला है क्वेश्चन में, इन्होंने कहा है 35,000 रुपये के लाभ में से एक भाग कितना है, 35,000 रुपये के लाभ में से एक भाग कितना है, तो एक भाग पूछ रहा है, ठीक है। तो 35,000 रुपये के लाभ में से एक भाग कितना है, वो हम बताते हैं अभी आपको, देखिएगा भाई, तो कितना है आपका, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। तो पहले तो आप इनके भाग निकाल लिए फ्रेंड्स, जब एक्स का मान के एक मान कितना आता है, एक्स प्लस 9,000, तो एक मान कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, एक मान कितना आ जाएगा, 21,000, ठीक है। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, एक मान कितना आ जाएगा, 21,000, 12,000 और 9,000 कितने हो गए, 21,000। अच्छा जी, बी का मान कितना आ जाएगा, 12 और 5, 17,000। अच्छा जी, अब देखिएगा, और इसका मान कितना आ जाएगा, ओनली 12,000। अच्छा जी, 3 0 से 3 0 काट डालो। अच्छा जी, अब इसने क्या कहा था, अभी अभी आपको सुनाई दिया होगा भाई, अभी अभी कह रहा है 35,000 रुपये का टोटल लाभ हुआ था, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें था किसका भाग पूछ रहा था वो, ठीक है, वो भाग बताएंगे, पहले इसको भाग देकर देख लीजिए, 21, 17 और 12 कितने हो गए, 21, 17 और 12 हो गए टोटल 50, ठीक है। अच्छा जी, कितनी बार कट गया, 0 से 0 गई, 5, 7 तो 35, तो कितनी बार कट गया, 700 बार कट गया, ठीक है। अब जिसका पूछ रहा है उसी में गुणा कर डालो, जिसके भाग में पूछ रहा, तो एक का भाग पूछ रहे हैं फ्रेंड्स, एक का भाग कितने हैं, एक का भाग है आपका 21, ठीक है, तो 21 में 700 गुणा कर दो। अच्छा जी, तो कितना आया, 21, 7, 147 और 00, ये आपका आंसर है, हो गया ना गोली गिरफ्तार से फ्रेंड्स। तो चलते रहिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ, एक्स से देखो, ज़्यादा हार्ड नहीं पड़ा, बहुत ही आसानी से हो गया, जितनी आपकी कैलकुलेशन तगड़ी है इतनी स्पीड से आप कर सकते हो। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है, इसको थोड़ा हाँ और जूम कर लेते हैं क्वेश्चन को, ठीक है, अब आपको अच्छा साफ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। देखिएगा फ्रेंड्स, ए तथा बी ने क्रमशः 16,000 रुपये तथा 12,000 रुपये लगाकर व्यापार आरंभ किया। 3 माह बाद ए ने 5,000 रुपये निकाल लिए, जबकि बी ने 5,000 रुपये और लगा दिए। इसके 3 माह बाद सी भी 21,000 रुपये लगाकर व्यापार में सम्मिलित हो गया। एक वर्ष बाद 26,400 रुपये के लाभ में से बी का सी के भाग से कितना अधिक है, ठीक है, बी का भाग सी के भाग से कितना अधिक है, ये बताना है आपको। तो चलते रहेगा फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बड़ा पेचीदा है, बड़ा ही आसान है वैसे तो, ठीक है। देखिए, ए तथा बी ने क्रमशः इतने इतने रुपये लगाए, ए बी, ठीक है, और लेना पड़ेगा हमें सी भी, लेकिन पहले इनको देख लो। तो ए ने कितने पैसे लगाए भाई, 16,000 रुपये, ठीक है जी। अच्छा जी, और बी ने कितने लगाए भाई, देखिएगा, 12,000 रुपये। अच्छा जी, तो अब देखिएगा फ्रेंड्स, आरंभ किया तो 3 माह बाद ए ने 5,000 रुपये निकाल लिए, ठीक है, 3 माह बाद। तो 3 महीने तक कितने लग रहे थे इसके फ्रेंड्स, 3 महीने तक ए के कितने लग रहे थे, ये 16,000 थे इसके भाई, तो 3 महीने तक तो इसके 16,000 लग रहे थे, अब आगे कितने लगेंगे इसके, आगे हो जाएंगे इसके 11,000, ठीक है, याद रखना। और कितने महीने के लिए, पूरे साल के लिए ही, ठीक है, तो इसके 11,000 रुपये हो जाएंगे पूरे फ्रेंड्स, ये इसको भी मिटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। अच्छा जी, ये कितने महीनों के लिए हो जाएंगे इसके, पूरे 9 महीनों के लिए, ठीक है। और इसने कितने लगाए थे भाई, 12,000 रुपये। अच्छा जी, ये कह रहे हैं
तीन माँ बाप देने तो 5,000 रुपये निकाले और बी ने 5,000 रुपये और लगा दिए। अच्छा जी, हो ही तो घटना 3 महीने बाद। 3 महीने तक का तो इसके लग रहे थे 12,000, अब कितने लगेंगे इसके? 15,000 लगेंगे इसके 9 महीने तक का। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो सी दिया हुआ है ये थोड़ा सा लग ले लो इससे, ठीक है? अच्छा जी, इन्होंने कहा है 3 माह बाद सी भी 1,000 रुपये लगाकर सम्मिलित हो गया। इसके भी 3 महीने बाद 9 महीने के बाद आएगा, तो कितने महीने तक लगेगा उसका धन? तो उसका धन लगेगा 6 माह तक का। तो कितने 1,000 रुपये लगाए उसने? 21। और कितने माह तक का? 6 माह तक का, ठीक है? अच्छा जी, अब जो करता है उसको काट डालो, पहले तो हल कर लो थोड़ा ऐसे, ठीक है फ्रेंड्स? अब इसको थोड़ा हल करके लिखेंगे, 16 थी 48 और 11 99, 48 और 99 कितने हो जाएंगे? 1,47,000, ठीक है? अच्छा जी, ये कितना हो गए? 12 36 15 9 15 8 120 15 9 135, ठीक है? ये जोड़ेंगे तो कितना होगा? 189, मतलब 1,89,000। अच्छा जी, ये कितने हो गए? 21 छक्का 126, देखिएगा 1,26,000 ये हो गए, ठीक है? याद रखना। अच्छा जी, जो कटता है उसका काट डालो, 3 0 से 3 0 गई। अच्छा जी, अब देखिएगा जो कटता है उसका काट डालो, 21 से सारे कट जाएंगे, 21 7 147, 21 9 189 और 21 छक्का 126, ठीक है? याद रखना। अच्छा जी, अब देखिएगा क्या हुआ है फ्रेंड्स, ये कह रहे हैं इसका भाग कितना हुआ। अब भाग तो अभी तो निकाल लेंगे फ्रेंड्स, जब हम इसकी गुणा देखेंगे इधर साइड में करके, ठीक है? तो कितना हो गया टोटल भाग इनका? इन्हें टोटल लाभ कितना हुआ एक वर्ष के बाद? एक लाभ हुआ है ना 26,400 रुपये का, ठीक है? और ये कितने हुए टोटल? वे 7 9 9 और 7 16, 16 और 6 16 6 22, 22 से भाग दे के देखेंगे तो देखिएगा 22 1 22, 22 2 44, तो कितनी बार कट गया? 1,200 बार कट गया, ठीक है? तो पूछ रहे बी और सी के भागों का अंतर कितना होगा, तो देखिएगा फ्रेंड्स 1,200 से गुणा कर दो 9 में, तो 12 9 108, 10,800 तो ये हो गए, ठीक है? अच्छा जी, और 12 6 72, वही 7,200 रुपये हो गए। तो दोनों का अंतर देखिएगा निकाल के कितना आ गया, दोनों का अंतर बैठता है आपका कितना? 3600। तो यही आपका आंसर है, हो गया ना गोली गिरफ्तार से, ठीक है? चलते रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो दोस्तों, देखिएगा क्या दिया हुआ है 11वां क्वेश्चन, इसे ध्यान से देखिएगा, आवाज़ सही आ रही है ना? चलो ठीक है, चलिएगा देखिएगा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है, देखिएगा। ए बी सी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं, आरंभ में केवल ए ही कुछ धन लगाता है तथा 6 माह बाद बी ए से 2 गुना धन लगाता है, 8 माह बाद सी ए से 3 गुना धन लगाता है। यदि वार्षिक लाभ 27,000 रुपये हो तो इसमें सी का भाग क्या होगा? तो इसमें सी का भाग क्या होगा आपको यह बताना है, देखिएगा क्वेश्चन बड़ा आसान है, आप इसको कर डालोगे गोली गिरफ्तार से कर डालोगे, ठीक है? अच्छा जी, देखिएगा क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, ए बी सी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं, तो इनका व्यापार आरंभ करवा दो भाई, ए बी और सी, ठीक है? अच्छा जी, क्या दिया हुआ है? तो ये कह रहे हैं आरंभ में केवल ए ही कुछ धन लगाता है, हमें तो पता नहीं कितना धन लगाया, मान लिया उनने एक्स लगाया, ठीक है? अच्छा जी, ये कहते हैं भाई इसके बाद 6 माह बाद बी ए से 2 गुना धन लगाता है, भाई इसके तो पूरे 12 मंथ के लिए लग गया, 6 माह बाद आया बी ए से 2 गुना धन लगाता है, मतलब 2x हो गया, 6 माह के लिए लगाया। अच्छा जी, ये कह रहा है 8 माह बाद सी ए से 3 गुना लगाता है, तो 8 माह बाद, ठीक है भाई, 8 माह बाद सी ए से कितना लगाता है? 3 गुना, तो 3 गुना हो गया भाई, तो कितने महीने के लगेगा अब इसका? 4 के लिए लगेगा, ठीक है, सीधी बात है। अच्छा जी, अब देखिएगा फ्रेंड्स इसको हल करके देखिएगा। अच्छा जी, अब देखिएगा इसने लास्ट में क्या कहा है, यदि वार्षिक लाभ 27,000 रुपये है तो इसमें सी का भाग क्या होगा? वार्षिक लाभ, अब देखिएगा फ्रेंड्स, अब टोटल के बराबर कितना? 27,000 रख दीजिएगा, 12x प्लस कितना होगा फ्रेंड्स? 6 2 12x, अच्छा जी, प्लस 4 3 12x बराबर कितना होगा? 27,000। अच्छा जी, अब देखिए कितना होगा, 12 3 36x हो गया, बराबर कितना होगा? 27,000, ठीक है? आपको कितना निकालना है? x का मान निकालना है फ्रेंड्स, x का मान निकाल लीजिएगा, तो 9 से काटिएगा, 9 चौक 36, 9 3 27, ठीक है? अच्छा जी, देखिएगा आप 4 से काट डालोगे, जब इसको 3,000 को 4 से काटोगे, तो 4 से काटोगे कितने बार कट गया, एक्स का मान कितना आ गया? कटेगा 750 बार, ठीक है? तो एक्स का मान आपका कितना आएगा? 750, ठीक है भाई। अब इसने क्या कहा, ए का भाग पूछ रहा है, ए का भाग कितना है, तो ए का भाग कितना था बता दीजिएगा इन्हें गोली गिरफ्तार से, ए का भाग था एक्स गुणा 12, ठीक है जी, यही था ना? अच्छा जी, तो एक्स का मान टेक दिया 750 और गुणा 12, तो कितना हो गया भाई, गुणा करके देखोगे टोटल हो गया 9,000 रुपये, ठीक है? यही आपका आंसर है, हो गया गोली गिरफ्तार से, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन बड़ा अच्छा लगा होगा, ठीक है, हो गया ना, जल्दी चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स।
देखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है। साझेदारी के एक व्यापार में ए ने 1/6 पूंजी 1/6 समय के लिए लगाई और बी ने 1/3 पूंजी 1/3 समय के लिए लगाई तथा सी ने शेष पूंजी पूरे समय के लिए लगाई। कुल 1,38,000 रुपये के लाभ में से बी का भाग क्या होगा, आपको यह बताना है। तो पूरा एक वर्ष का काम है भाई, इसमें देखना है क्या करना है। तो क्या कह रहा है, ए बी सी ले लीजिएगा पहले, तो ए बी और सी, ठीक है। अच्छा जी, एक ने 1/6 पूंजी 1/6 भाग के लिए लगाई। अच्छा जी, एक ने जो बी है उसने 1/3 पूंजी 1/3 भाग के लिए लगाई, ठीक है। अच्छा जी, अब देखें कहेंगे शेष ने, तो शेष कितना बचा, देखिएगा फ्रेंड्स शेष कितना बचा, 1/6 1/3 जोड़ कर देख लीजिएगा, 1/6 और 1/3 तो कितना आ गया, 6, और ऊपर देखिएगा 3 × 3 = 6 तो 1/2 बच गया शेष। अच्छा जी, ठीक है जी, तो इसने तो पूरे टाइम के लिए लगाई अपना, पूरे साल के लिए सी, तो शेष पूंजी कितनी लगाई पूरे साल के लिए, ठीक है, याद रखना, चलते रहिएगा। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को आगे करिएगा फ्रेंड्स, आगे बढ़ाइएगा, 1/36 हो गया फ्रेंड्स, 9 1/9 भाग और कितना है 1/2, ठीक है। अच्छा जी, आपको ये करना है, अब आप क्या करोगे फ्रेंड्स, देखिएगा ध्यान से। तो इनका जो अगर आप सभी का अगर आप एलसीएम लोगे, ठीक है भाई, तो इनके अगर आप नीचे वालों का एलसीएम ले लोगे फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसानी से हो जाएगा। एलसीएम क्या आ गया इनका, 36 आ गया, नहीं ये पता है आपको, तो सभी को 36 से गुणा कर दीजिए, ठीक है, गैस कर लीजिए आप एक प्रकार से, ठीक है। अगर आप 36 से गुणा करोगे और यहाँ पे भी 36 और यहाँ पे भी 36 से गुणा करोगे, तो काट डालो 36 से, तो कितनी बार कटा, देखिएगा फ्रेंड्स कितना आसान क्वेश्चन है। 36 × 36 9 × 36 और ये कितने बार कटेगा, 18 बार, ठीक है। आपका क्या आ गया, यहाँ गया आपका अनुपात 1:4:18, ठीक है। अच्छा जी, तो टोटल क्या कह रहे हैं, टोटल लाभ कितना हुआ था वर्ष के अंत में, 1,38,000 रुपये। इसमें बी का भाग पूछ रहा है, 1,38,000 रुपये में 1,38,000, 1, 2, 3, ठीक है, इसका भाग कितना है। तो पहले टोटल देख लिया, 18 और 5 कितने हो गए, 23, इसे काट डालो, कितनी बार कटाया फ्रेंड्स, ये कटाया है 6,000 बार, ठीक है। अच्छा जी, तो किसका भाग पूछ रहा है, ये भाग पूछ रहा है फ्रेंड्स बी का, तो बी का भाग कितना है, 4, ठीक है, याद रखना, बिल्कुल नहीं भूलने का, चलते रहिएगा फ्रेंड्स। अच्छा जी, तो बी का भाग कितना होगा, 4 है, तो 4 में किसके गुणा कर देंगे, 6,000 की, ठीक है फ्रेंड्स। तो कितना आएगा, 4×6 = 24, तो कितना है टोटल बी का भाग, 24,000 रुपये, तो ये आपका आंसर है, ठीक है, हो गया ना। गोली गिरफ्तार से चलते रहेगा, गोली गिरफ्तार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो देखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, ए बी सी ने मिलकर व्यापार आरंभ किया तथा 1:3:5 के अनुपात में धन लगाया। 4 माह बाद ए ने पहले जितना धन और लगा दिया, परंतु बी तथा सी में से प्रत्येक ने अपनी अपनी आधी पूंजी वापस ले ली। वर्ष के अंत में प्राप्त लाभ में से इनके भाव का अनुपात क्या होगा, यह बताना है फ्रेंड्स। कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है, देखिएगा फ्रेंड्स कैसे करना है आप सभी को ये। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ए बी सी ने मिलकर आरंभ किया एक व्यापार, ठीक है, देखिएगा ए बी और सी, ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा तो किस किस अनुपात में लगाया इन्होंने धन, 1:3:5, ठीक है जी। अच्छा जी, तो क्या कह रहे हैं, 4 माह बाद ए ने पहले जितना धन लगा लिया था, तो ए ने 4 माह बाद, 4 माह बाद कह रहे हैं जितना धन लगाया था, 1 लगाया था 4 माह बाद, तो ये कह रहे, तो ये कह रहे हैं उतना धन लगा दिया, उतना ही धन लगा दिया इसने भाई, कितने माह के लिए, पूरे साल की बात हो रही है, सीधी बात है, तो इतना ही धन लगा दिया, कितना होगा, 2, अब ये लगेगा 8 मंथ के लिए, ठीक है भाई। अब देखिएगा बी की बात, देखिएगा बी क्या कह रहा है, बी तथा सी में से प्रत्येक ने अपनी आधी पूंजी वापस ले ली, बी तथा सी में से प्रत्येक ने अपनी आधी पूंजी वापस ले ली, ये तो लगा 4 मंथ के लिए, अब आ गया आधी पूंजी वापस ले ली, तो कितना बचा भाई, 3/2, ये कितने मंथ के लिए लगेगा भाई, 8 मंथ के लिए। अच्छा जी, और इसने भी ले लिया ऐसे ही, ये 4 मंथ के लिए लगी, ठीक है फ्रेंड्स, और 5/2 आधी पूंजी लगी इसके 8 मंथ के लिए, ठीक है। अच्छा जी, जो कटता है उसको काट डालो फ्रेंड्स, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, 2×8, अच्छा जी, और कितना होगा, 2×8, ठीक है, अब इसे सिंपल करके लिख लीजिए, ठीक है। ये कह रहे हैं वर्ष के अंत में प्राप्त लाभ इनके भाव का अनुपात क्या है, बस आपको तो अनुपात बताना है यहाँ पर, कुछ नहीं करना फ्रेंड्स। देखिएगा, 4×4 8×2 = 16, 16 और 4 कितने हो गए, 16 और 4 कितने हो गए भाई, 20, ठीक है। अच्छा जी, अब देखिए, 3×12 और 4×3 = 12,
बारह बारह कितने हो गए, ये हो गए 24, ठीक है। अच्छा जी, 5 चौक 20 और 5 चौक 20, ये कितने हो गए भाई 40। अच्छा जी, कोई ऐसा आपको टेबल दिखाई दे रहा है जिसको जल्दी से जल्दी कम से कम हिसाब से काट दे, दिखाई दे रहा है? अच्छा जी, 4 का देखिएगा, 4 से देखिएगा इसको काट कर, 4 5 20, 4 6 24, 4 2 40। अब भी है कोई टेबल इसको काट सके तो कितना है अनुपात, 5 अनुपात 6 अनुपात 10, ठीक है। तो यही आपका आंसर है, हो गया ना गोली गिरफ्तार से। चलिएगा फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गोली गिरफ्तार। तो देखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है। ए बी सी ने एक व्यापार में 7/2, 4/3, 6/5 के अनुपात में धन लगाया। 4 माह के बाद ए ने अपनी पूंजी में 50% की वृद्धि कर दी। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 43,200 रुपये हुआ तो इसमें बी का भाग क्या होगा, आपको ये बताना है फ्रेंड्स। देखिएगा, करते हैं क्वेश्चन को, ए बी सी भाग के रूप में लिख लीजिए, ए बी और सी, ठीक है। अच्छा जी, देखिएगा और तो कुछ है नहीं फ्रेंड्स, थोड़ा सा ध्यान देकर समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कहना आपका आसान भी पड़ेगा ही अगर आप ध्यान से समझोगे, ठीक है। देखिएगा, ए बी सी ने किस किस अनुपात में लगाया अपना धन, 7/2 और फ्रेंड्स कितने में, 4/3, चार बटे तीन और भाई 6/5 के रूप में लगाया, ठीक है। अच्छा जी, अब देखिएगा क्या कह रहे हैं, ए ने अपनी पूंजी में 50% वृद्धि कर दी, ए ने अपनी पूंजी में 50% वृद्धि कर दी भाई। तो देखिएगा कब किया है, ये भी देख लीजिए भाई कब किया है, 4 माह के बाद भाई, 4 माह के बाद, ठीक है। 4 माह के बाद देखिएगा, ए ने अपनी इसमें 50% वृद्धि कर दी 4 माह बाद, तो 4 माह तक तो सेम थी, इसने वृद्धि कर दी भाई, तो कितनी 50% की, तो 7/2 में 50% की वृद्धि कितना होगा भाई, 150 और 100 और टोटल कितने दिन तक लगेगा, 8 मंथ के लिए लगेगा, बस यही है जो भी है इसमें। अच्छा जी, बाकी तो टोटल जिनकी दूसरे वालों की पूंजी थी भाई बी की और सी की, वो तो इतने समय तक लगी जा रही है 12 महीने तक का, और इसकी भी 6/5 है जो, ये भी 12 महीने तक ही लगी हुई है, ठीक है, याद रखना, चलते रहेगा, जो कट रहा है उसको काट डालो, ठीक है। अच्छा जी, 25 टिक्का 150, 25 चौका 100, 4 2 8, 2 से 2 ख़त्म, 2 2 4, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा जी, अब देखिएगा यही है जो भी सिस्टम है, अब देखिएगा इसको सिंपल करके लिख लीजिएगा फ्रेंड्स, 7 2 14 और भाई कितना होगा, 7 6 42, 42 और 14 कितने हो गए, 56, ठीक है भाई। अब देखिएगा कितना हो गया, तो देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पे कितने मंथ के लिए लगा हुआ था, ये 12 मंथ के लिए, ठीक है। अब इसको काट डालो, कितना होगा, 3 चौक 12, ये कटा था ना। अच्छा जी, अब देखिएगा कितना होगा, 4 चौक 16, तो यही हो गए, और ये कितना 12 6 72, 72/5 तक का लगा, ठीक है। अब देखिएगा क्या करना है, ठीक है फ्रेंड्स, कितना है, 72/5। अब देखिएगा फ्रेंड्स, 5 की गुना कट डालो इसमें, सिंगल अनुपात में लेके आ जाओ, सभी 5 5 की गुना कर दो, 56 5 कितना हो गया, 280, ठीक है। अच्छा जी, 16 5 कितना होगा भाई, 80 और इधर कितना होगा, 72, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ये ध्यान से पढ़िएगा, 43,200 रुपये हुआ, अगर वर्ष के अंत में कुल लाभ 43,200 रुपये हो तो बी का भाग बताना है। तो वर्ष के अंत में लाभ हुआ 43,200, इधर नहीं लिखते भाई, इसको एक साइड में लिख लीजिएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल भी चिंता नहीं करिएगा, वर्ष के अंत में कितना हुआ, 43,200, ठीक है। और ये टोटल कितने में भाई, ये टोटल 280 और बात है कितना होगा, 432 से काटने कितनी बार कट गया भाई, 100 बार, तो यहाँ भाग किसका पूछ रहा, बी का भाग, तो 80 में, ठीक है भाई, 80 में 100 की और गुना कर देंगे हम, तो बी का भाग कितना आ जाएगा, 8,000, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, हो गया ना गोली गिरफ्तार से, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलते रहेगा फ्रेंड्स। आज की वीडियो का लास्ट एंड फास्ट क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है, देखिएगा। तो देखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ है। ए बी ने मिलकर व्यापार आरंभ किया, ए द्वारा लगाया गया धन बी के धन से 3 गुना है तथा बी से दुगने समय तक लगाया गया है, ठीक है। यदि बी का लाभांश 4,000 रुपये हो तो कुल लाभ क्या होगा, यह बताना है। ए द्वारा लगाया गया धन बी के धन से 3 गुना है तथा बी से 2 गुने समय तक लगाया गया, यदि बी का लाभांश 4,000 रुपये हो तो कुल लाभ क्या होगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, एक तरफ ए ले लीजिए, एक तरफ बी ले लीजिए, ठीक है। ए द्वारा लगाया गया धन बी से 3 गुना है, यदि बी ने ए लगाया तो इसका धन कितना है, 3 गुना ए से, ठीक है। ये क्या है, तथा बी से 2 गुने समय तक लगाया गया, यदि इसने एक समय तक लगाया हुआ है, 1 साल तक, तो इसने 2 गुने समय तक लगाया हुआ है इसका, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है, चलते रहिएगा। अब देखिएगा कितना है अनुपात, ये 6:1, ठीक है। अच्छा जी, ये कह रहे हैं
यदि बी का लाभांश 4,000 रुपये हो तो कुल लाभ क्या होगा? अब ए का लाभांश हमें पता नहीं है भाई। अब मान लीजिए आप अपनी तरफ से माना ए का लाभांश, ए का लाभांश कितना है हमें तो पता नहीं भाई, जेड मान लो, जेड रुपये है, ठीक है। अच्छा जी, तो क्या कह रहे हैं भाई ये क्वेश्चन में कहा इन्होंने, यदि बी का लाभांश 4,000 रुपये हो तो कुल लाभ क्या होगा? बी का लाभांश कितना है? 4,000 रुपये। तो ए का तो हमें पास मान लिया जाड जेड, और इनका अनुपात कितना दिया हुआ है? 6:1 का, तो रख दो इसी अनुपात में 6/1, ठीक है। अब क्या करना है, बराज गुणा कर लो भाई। जेड का मान कितना आएगा भाई? 1, 2, 3, कितना आएगा जेड का मान? आएगा ये आ गया भाई जी बच्चों, जेड का मान आएगा 4×6=24, तो कितना आ गया? 24,000, ठीक है। जेड का मान आ गया 24,000, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कुल, तो इन्होंने क्या कहा है, तो कुल लाभ क्या होगा? कुल लाभ पूछ रहे हैं फ्रेंड्स, तो कुल लाभ बता दीजिए इनको। 4,000 तो ये था, और 24,000 ये हो गया भाई फ्रेंड्स, ठीक है। तो कितना होगा टोटल लाभ उनको? 28,000 का, ठीक है, याद रखना, चलते रहिएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, और आज की वीडियो में यहीं तक, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हो, आपको अच्छी तरीके से समझ में आया हो, तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें अपने भाइयों बहनों में, और जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखना फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है, आपको यहाँ फ्री पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल टेंशन फ्री, आप पूरा सक्रवाल कराया जाएगा, ठीक है। आपको सभी वीडियोस पर फ्री उपलब्ध होगी, आप टेंशन फ्री होकर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उस पर टाइम दीजिएगा, अच्छी तरीके से पढ़िएगा और अपनी तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।